पंजाब के पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन में आतंकी हमला हुआ है। खबरों की माने तो आतंकियों ने सुबह 4 बजे यहां एयरफोर्स स्टेशन को अपना निशाना बनाया। फिलहाल सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। वहीं आतंकियों का मुकाबला करते हुए 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। मौके पर सेना, एयरफोर्स और NSG के जवानों ने मोर्चा संभाला है। ये आतंकी पाकिस्तान से आए हैं और किसी बड़े हमले की फिराक में थे। खबरों की माने तो एयरफोर्स स्टेशन में आतंकी 3 तरफ से दाखिल हुए और ये सेना की वर्दी में थे। फिलहाल पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है। NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। तो एक बड़ा आतंकी हमला जो पठानकोट में यहाँ पर हुआ है और 4 आतंकियों को मारा गया। तड़के ये हमला हुआ था, इसलिए यहाँ पर मुठभेड़ काफी देर तक चलती रही और ऐसी आशंका है कि अब भी कुछ आतंकी अंदर हो सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है। पूरी तरह से अलग अलग फोर्सेज यहाँ पर तैनात हैं। तो कहा जा रहा है कि लश्कर के आतंकी थे जो किसी बड़े हमले की फिराक में आए थे। आत्मघाती हमला भी हो सकता था, तो आत्मघाती हमले में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है। सेना ने आतंकी को डोमेस्टिक एरिया में रोका, उसके बाद एयरफोर्स के प्लेन को उड़ाने की इनकी साजिश थी। तो जहां पर प्लेन खड़े रहते हैं उस ओर भी ये रुक कर रहे थे, लेकिन सेना ने इन्हें रोक दिया है। तो अब यहां पर जो अभियान चल रहा है इसकी निगरानी खुद NSA अजीत डोभाल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर इस नापाक मंसूबों को अंजाम दिया जा रहा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप पठानकोट की देख सकते हैं। जब ये हमला हुआ है उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। ये देखिए आप तस्वीरें हैं। हालांकि अलर्ट जो है पहले से ही मिल रहे थे और ये कहा जा रहा था कि नए साल के मौके पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना को आतंकी अंजाम दे सकते हैं। तो ये मुस्तैदी का नतीजा कहेंगे कि नया साल तो अच्छे से गुजर गया, यानी कि वो पल तो अच्छे से गुजर गया जब लोग नए साल का स्वागत कर रहे थे, लेकिन आतंकियों जो अपने मंसूबे लेकर यहाँ पहुंचे थे उन्होंने अपने मंसूबों को अंजाम दिया है आज, और 2 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। ये तस्वीरें हैं पठानकोट की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता कर दी गई है। हर आने जाने वाले वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया था आतंकियों ने और जो यूनिफॉर्म है, जो वर्दी है, सेना की वर्दी है, उसका इस्तेमाल किया था। तो इसलिए अब बहुत बारीकी से यहाँ पर छानबीन करनी होगी। तो पुलिस का दस्ता है जो अब निकला है सड़कों पर। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं, 5 तस्वीरें हैं। 2 आतंकी मारे गए हैं और इसके बाद यहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। हेलीकॉप्टर से भी निगरानी रखी जा रही, हवाई निगरानी भी रखी जा रही है। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर ली है और जो भी यहां से वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं, यानी कि जो भी वाहन गुजर रहे हैं उनकी तलाशी काफी गहनता से ली जा रही है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुई है। जब आपके एरिया पे हमला हो चुका है, SP किडनैप हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन को उसने किडनैप कर लिया है, फिर आपको वो एरिया मिलिट्री को हैंडओवर कर देना चाहिए था। कमियां हैं आपके पूरे सिक्योरिटी सेक्शन, सिक्योरिटी एरिया में जो हमला हुआ है, इंटेलिजेंस की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है। जब आपके सिविल गवर्नमेंट को पता चल गया था ये हुआ है, उन्होंने मीटिंग क्यों नहीं करी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को वेकअप करना चाहिए था कि ये क्या हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर को वेकअप करना चाहिए था, ये क्या हो रहा है। गुरुवार की रात को 5 आतंकवादी स्वयं में इन लोगों को किडनैप करके ले गए, उनके पास फेंका गया है। और ये हमला कल रात को शुरू हुआ तो कम से कम 24 घंटे से ज्यादा का समय था, इसने भी इन लोगों को पकड़ नहीं पाए। ये बिल्कुल आशंका थी कि कहीं न कहीं हमला होगा, इसमें जरूर चूक हुई है। जिसकी भी चूक हो वो इन्वेस्टिगेशन की जाए और पता किया जाए। सुरक्षा विशेषज्ञ जो खासे नाराज हैं यहाँ पर, इसको एक बहुत बड़ी चूक मान रहे हैं और वाकई में चूक है भी। जब यहाँ पर 31 तारीख को SP का अपहरण किया था आतंकवादियों ने, उसके बाद ही अलर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जिस स्टेशन को, जिस एयरफोर्स स्टेशन को यहाँ पर निशाना बनाया गया है, आखिर वो इतना अहम क्यों है, आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, सीमा के काफी नजदीक है पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन और युद्ध की अगर स्थिति होती है तो ऐसे में पूरे देश की रणनीति को यहीं से अंजाम दिया जाता है। खासतौर पर 1965 और 1971 के युद्ध की बात करें तो एयरबेस ने बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन MiG-21 लड़ाकू विमानों का बेस स्टेशन भी है, तो यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से काफी संवेदनशील, काफी महत्वपूर्ण है। तो सवाल यही है कि जब एक तरह का ट्रेलर यहां पर आतंकी दिखा चुके थे 31 तारीख को, तो उसके बावजूद यहां पर पूरी पिक्चर समझ में क्यों नहीं आई हमारे खुफिया तंत्र को, हमारे सुरक्षा तंत्र को, और यहां आतंकी अपनी नापाक साजिश को लेकर पहुंचे थे। फिलहाल 4 आतंकियों को मारा गया है, लेकिन 2 जवान भी हमारे शहीद हो गए हैं।
तो किस तरह से यहां पर पठानकोट में आतंकी दाखिल हुए, आपको सिलसिलेवार घटना बताते हैं। वक्त सुबह तड़के 4 बजे का, जब हम में से ज्यादातर लोग नींद के आगोश में थे, तब आतंकियों ने एफओ स्टेशन में हमला किया। सेना की वर्दी में एफओ स्टेशन में दाखिल हुए आतंकी सेना और आतंकियों के बीच उसके बाद मुठभेड़ चली। 2 सुरक्षा घेरे को तोड़कर एफओ स्टेशन में दाखिल हुए आतंकी, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी नाकामी है यहाँ के सुरक्षा घेरे की। एफओ स्टेशन के पास एक बिल्डिंग में 2 आतंकी अभी छिपे हो सकते हैं। सीमा पार से पंजाब के रास्ते आतंकी दाखिल हुए, आतंकी ने पहले ग्रेनेड फेंके फिर फायरिंग शुरू की और आतंकी यहां आत्मघाती हमले की फिराक में थे। तो अगर हम देखें तो 6 महीने में पंजाब में दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले आपको याद होगा कि दीनानगर में हमला हुआ था, तो फिलहाल डोमेस्टिक एरिया में रुका गया, तकनीकी क्षेत्र में दाखिल नहीं हो पाए आतंकी। लेकिन यहां इसे हम कह सकते हैं कि नाकामी है कहीं ना कहीं, जिस तरह से 2 हमारे जवान भी शहीद हो गए हैं। तो चलिए, यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि आखिर पठानकोट एफओ स्टेशन पर जो हमला हुआ है उसका मतलब है क्या। काफी महत्वपूर्ण ये एयरबेस स्टेशन है और जब भी कोई युद्ध की स्थिति बनती है तो जो रणनीति है वो यहीं से संचालित होती है। तो इस हमले के बाद देश के कई महत्वपूर्ण स्थानों में भी सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ा दी गई है। हरिद्वार की बात करें, बनारस की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, तो इस पर बातचीत के लिए और अपडेट के लिए हम रुख करेंगे अपने संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी का, जो हमारे साथ जुड़े। इसके अलावा हरिद्वार से आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रशांत, पहले आपके पास आना चाहेंगे, इस वक्त की क्या अपडेट है और ये बताएं कि कितने आतंकियों के छिपे होने की आशंका भी और जताई जा रही है। जी, से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें सख्त जताया गया है कि जैसे मुहम्मद इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। हालांकि अब तक आपको बता दूं कि किसी भी आतंकी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट है उनका कहना है कि इस तरह के हमले जैसे पहले गुरदासपुर में हुए थे, बिल्कुल उसी तरह से इसको भी अंजाम देने की कोशिश की गई है। इसलिए जैसे मोहम्मद इस घटना को अंजाम दे सकता है, फिलहाल 4 आतंकवादी जो है वो ढेर कर दिए गए हैं, लेकिन 2 अपने जो जवान है वो भी शहीद हो चुके हैं। इस समय की अगर बात करते हैं तो ये माना जा रहा है कि 2 से 3 के करीब और आतंकवादी हैं जिनसे लगातार मुठभेड़ जारी है और हमारे जो सेना के जवान हैं और एनएसए के जो जवान हैं वो लगातार उनसे मुकाबला कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे गुरदासपुर के बाद से पठानकोट पे हमला किया गया है, पठानकोट के एयरबेस को निशाना बनाया गया है। जाहिर तौर पे हमने अपने दर्शकों को बताया कि कितना महत्वपूर्ण और सेंसिटिव ये जगह है और इसी बात को आतंकवादी भी जानते थे, शायद इसी वजह से उन्होंने इस जगह को चुना है। आपको बता दूं कि 2 रास्ते हैं खासतौर पे पाकिस्तान के रास्ते जब आतंकवादी घुसते हैं, एक श्रीनगर जम्मू कश्मीर और दूसरा जो हमारा रास्ता है वो पंजाब का रास्ता होता है। गुरदासपुर से आते हुए होते हुए जो आतंकवादी हैं वो एंट्री करते हैं। तो जाहिर तौर पे जब 24 घंटे पहले एसीपी की गाड़ी को हाईजैक किया गया था, उनके मोबाइल तक को लूट लिया गया था, उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में और खासतौर पे पंजाब में हाई अलर्ट कर दिया गया था और बोला गया था कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। और आपको बता दूं कि जो खुफिया तंत्र है उन्होंने पहले ही अलर्ट किया था कि नए वर्ष के शुभारंभ में ही कुछ न कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने की बात कही गई है और निश्चित तौर पर आईबी ने ये अलर्ट दिया था। इसके बावजूद कहीं न कहीं सुरक्षा में खामियां नजर आई जिससे कि आतंकवादियों ने एयरबेस जैसे सेंसिटिव प्लेस को निशाना बनाने की कोशिश की है। जी, आप प्रीति कुछ कर रही हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जो ये हमला हुआ है प्रशांत, वो कई तरह से और ज्यादा अलर्ट कर रहा है कि आतंकी है यहाँ पर, उनके नापाक मंसूबों के साथ पहुंच चुके हैं। तो कुछ ऐसे एरिया हैं हमारे देश के संवेदनशील एरिया, खासतौर पर कोई धार्मिक आयोजन होता है वहां निशाना बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। और अर्धकुंभ इस वक्त हरिद्वार में लग रहा है, तो आशीष का रुख करेंगे, हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, आधिकारिक तौर पर अर्धकुंभ कल से शुरू हो चुका है, इस हमले के बाद आप क्या कुछ अलर्टनेस और क्या कुछ सतर्कता यहाँ पर देख रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से पठानकोट में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से हरिद्वार में चुकी अर्धकुंभ की कल से विधिवत शुरुआत हो गई है। सरकारी रूप से कल से जो अर्धकुंभ है वो शुरू हो गया है और हमले के तुरंत बाद जो है यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके और पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। चूंकि अर्धकुंभ मेला पुलिस के प्रभाव में पूरा मेला क्षेत्र आ चुका है, पहले से यहाँ पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड की बात करें, हरकी पैड़ी हो, तमाम जो मंदिर है, मनसा देवी, चाहे चंडी देवी हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है। और इसके अलावा एटीएस
एटीएस की भी यहाँ पर तैनाती की गई है पूरे मेला क्षेत्र में, और पूरे मेला क्षेत्र में बिल्कुल इसमें सघन चेकिंग चल रही है। सभी होटल सभी धर्मशाले में जो भी आ रहे हैं लोग उनकी बकायदा चेकिंग की जा रही है। हर की पैड़ी की तरफ जो भी लोग आ रहे हैं, चूंकि पहले से यहाँ पर ड्रोन कैमरे की तैनाती की गई है, तो जाहिर बात है कि जो चप्पे चप्पे पर पुलिस की यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। प्रीति चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका भी और आशीष आपका भी जानकारी के लिए। तो जो कुछ ही हमला हुआ है कई मायनों में बहुत ज्यादा इसे संजीदगी से लेने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर जब 31 तारीख को यह घटना हुई थी तो उसके बाद क्या ये अलर्टनेस काफी थी? आखिर कैसे दो सुरक्षा घेरे को तोड़कर आतंकी अंदर दाखिल हो गए?